नमस्कार भाई। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई आज का मेरा वीडियो साजिद अहमद के लिए, आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। आज की वीडियो में बात करता हूँ कि साजिद अहमद के होता ये है कि मैं इसकी कुछ दिनों से वीडियो देख रहा हूँ, कुछ दिनों से वीडियो देख रहा हूँ। मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था अपने काम के मारे, तो अब मुझे लगा कि बनानी चाहिए। मैं वीडियो देख रहा हूँ उसकी कुछ दिनों से। ये मरी गई है घूमने के लिए, इनकी एक जगह, और ये वीडियो जो बनाती है उसमें बीच बीच में एक एक घंटे का प्रोपेगंडा भी करती है। तो 1 घंटे ये सबको बैठाती है, फिर इंडिया को, इसको काम है गाली देना, इसका काम है सिर्फ इंडिया को गाली देना, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी एक जो जो वो चिंपांजी है, जो उसके संग आता है चिंपांजी, उसकी एक बेटी है मलाइका बलूच। और जब से मैंने उसको देखा है तो मेरे को लगा कि यार ये लड़की अपने लायक है, तो इसलिए मैं उसे अब मुझे उसको मैं उसको पसंद करता हूँ, और इसलिए ये उसकी जाने कौन लगती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो चिंपांजी की बेटी लगती है। हैं तो जो उसके साथ आता है मोटा सा चिंपांजी, उसकी बेटी है, तो वो मुझे पसंद है भाई, पहले कह रहा हूँ। तो इसलिए इसको मैं आप गाली नहीं दूंगा, इसको मैं अलग ढंग से समझाऊंगा। तो भाई यही बात है, और बात ये है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं है, हैं। लेकिन जो जैसे चूतिया लोग हैं, जैसे कि वीर या फिर और भी हुए बहुत सारे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जैसे जो ये क्या करती है, तू वीडियो बना, तेरे को किसी में भी बीजेपी बनानी है बना ले, चल आरएसएस बनानी है बना ले, जवाब देंगे। लेकिन गुस्सा जब आता है जब ये अपने भगवान के ऊपर वीडियो बनाती है, हमारे भगवानों के ऊपर वीडियो बनाती है कि वीडियो डाल रही है कि भगवान, ये कभी कभी बोल जाती है। तो ये मतलब यार तुम अपने पे ध्यान दो, हम अपने पे ध्यान दे रहे हैं, बीच में क्यों भगवानों को घुसाती है कि फिर हम बोले हैं, है ना, फिर देश में माहौल बिगड़े, फिर यहाँ के हमारे भाई के हैं। तो वैसे भी तेरा काम है। और दूसरा कि भारत के इंटरनल मसले में बोलना कि दलितों को भड़काना, दलित भाइयों को, वो ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरा झूठ बोलना, भयंकर झूठ बोलना, भयंकर, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए तेरे पे सिर्फ गुस्सा आती है, बाकी तेरे पे कोई गुस्सा नहीं आती है। तू, मेरे को पता है तू एक भौंकने वाली है, तो तू भौंकती रहे। लेकिन गुस्सा जब आती है कि जब तू भगवान के बारे में बोलती है हमारे भाई। अब मैं मलाइका बलूच की आपको शक्ल दिखाता हूँ जो मुझे पसंद है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, और इसकी माँ की भी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। मुझे इसकी जो माएँ मम्मी जी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बहुत बढ़िया हैं। मैं उनकी एक अच्छाई भी दिखाऊंगा। तो आइए अब इसके परिवार की आप शक्ल देखो, इसमें एक चिंपांजी है, बस मुझे एक से ही मतलब है, बस इस पर गुस्सा आती है चिंपांजी पे, क्योंकि बोलता है, और कोई पे गुस्सा नहीं आती। और उसकी जो दोनों बेटी हैं, वो एक मेरा फ्रेंड है, उसको भी एक बेटी पसंद है, और इसकी दूसरी बेटी मेरे को ही पसंद है। तो आप इसकी दोनों बेटी देखिए और इस चिंपांजी को देखिए, ये इसका पूरा परिवार है। इसकी 2 बेटी में से 1 बेटी मलाइका मुझे पसंद है, और मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताई तो उसको दूसरी पसंद है। तो भाइयों बात करते हैं इसकी, जिसके बारे में मैं बोलने आया हूँ, साजिदा अहमद। तो भाइयों साजिदा अहमद को मैं आपको बताऊँ तो ये साली होता ये है कि यार मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले शायद मैंने गाली दे भी हो तुम्हें, कि यार अब अपना मामला अलग हो गया है, अब अपना पारिवारिक रिलेशन होने वाला है। देख मैं पढ़ता हूँ सेकेंड ईयर में कॉलेज में, और जिस तरीके से मलाइका बलूच की शक्ल है उसकी मैंने देखा है, तो मेरे को लगती है कि उसकी एज आसपास होगी 16 से लेकर 20 साल के बीच होगी, उससे तो ज़्यादा, उससे तो कम होगी नहीं, 16 से कम नहीं हो सकती और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 20 भी नहीं होगी यार, नहीं लग रही है वो ऐसी। तो भाई मैं पहली कह दूँ, मैं पढ़ता हूँ सेकेंड ईयर में कॉलेज में, और मुझे पसंद है इस चिंपांजी की लड़की, ठीक है ना। लेकिन जो चिंपांजी से खराबी है, इस लड़की की जो माँ है मम्मी जी हैं उनसे कोई खराबी नहीं है, क्योंकि देखो मैं उनकी एक अच्छा ही बताता हूँ। कुछ दिन पहले ये मरी गए थे घूमने के लिए, उनकी वीडियो थी उसमें ये जो चिंपांजी है, ये तो इंडिया की बुराई कर रहा था कि इंडियन ऐसे हैं वैसे हैं, रो ऐसी है, हमले करवाती है। लेकिन इसकी माँ ने क्या ही, नहीं, यहाँ पे भी तो होंगे ना कुछ खराब लोग, सब जगह होते हैं। तो तुरंत ही उसने बात काट दी चिंपांजी ने, उसने कही नहीं, ये रहा चिंपांजी और इसकी जो बीवी है वो आप देख लो।
तो ये जो इसकी जो माँ है मलाइका बलोच की, इसकी जो बीवी है वो अच्छी है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, वो अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन जो चिंपांजी है ये ख़राब है, ये बदमाश है। तो भाई यो ये, और दूसरा इसने बात काट दी और फिर इसने कही नहीं, ये तो इंडिया ही करवा रहा है, ये तो वो ही करवा रहा है। अब वो भी क्या बोले, वो चुप हो गई। सीधी सी बात है कि रहना तो उसको उसी के घर में। तो भाई यो ये था, और पहली कह दूँ यार इसकी बेटी मुझे पसंद आ गई है मलाइका, ठीक है ना। अब बस कॉलेज ख़त्म हो फिर मैं लेने जाऊंगा। दूसरा अब अपने रिलेशन अलग होंगे, तो इसलिए अब मेरा ख्याल में गाली देना बोलना बेकार है इनको, गंदा संदा। तो भाई बस मैं साजिदा अहमद से कहना चाहता हूँ कि भगवान के ऊपर मत बोले, किसी के धर्म पे, किसी की कौम पे, देश के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ मत बोले, किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलना है तो बोल ले, तेरे को बढ़िया जवाब मिलेगा। लेकिन गुस्सा जब आती है जब तू किसी की आर्मी, किसी के देश के खिलाफ बोलती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान आर्मी अभी ऐसी है वैसी है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों बोले यार, किसी देश की आर्मी है, उसकी देश की रक्षा कर रही, चाहे कैसी भी है, लेकिन हर देश की आर्मी हर देश की रक्षा करती है जब भी तू चाहे। तो फिर तू यूँ कहती है कि दलित हमारे साथ हों, हम उसके साथ हों, ब्राह्मणों के बारे में बोलती है, और पता नहीं क्या क्या चूतियापने की हरकत करती है। खैर तेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन यार अपना रिलेशन टूट जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करे। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि चिंपांजी से कि तू भी सुधर जा, बेटी का तू बाप है, शादी में तो ये भी आना है, क्या कहते हैं उसे, कन्यादान करना है, यहीं पे आएगा तू फिर। तो भाई सुधर जा, फिर तेरी बेटी, अभी कन्यादान करना है तुझे, फिर तेरी बेटी शादी, मतलब शादी में तो ये भी आना है, फिर तेरी बेटी हिंदू बनेगी, और इसलिए तो रिलेशन है होने वाले हैं, तो अभी से ही बता रहा हूँ, सुधर जा, बहुत बढ़िया रहेगा तेरे लिए भी। क्या फ़ायदा फिर बिगड़े हालात तो फिर ख़राब हों चीज़ें, फिर हम तेर को नहीं बुलाएं, ठीक है ना। और उसकी माँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है आंटी जी, मतलब मम्मी जी, जो भी कह लो। तो भाई मैं चलता हूँ, नमस्कार, भारत माता की जय।